હેલો ગાઈઝ, ગુડ મોર્નિંગ, કેમ છો બધા? મજામાં ને ગાઈઝ? આજ હે સન્ડે ઓર આજ હમારા વીકલી આઉટિંગ ચલ રહા હૈ તો હમ ઘૂમને જા રહે હૈ બહાર, લેકિન થોડા સા કામ ભી હૈ તો હમ મેં લેપટોપ લેકે સાથ મેં જા રહા હું. જબ ભી થોડા ટાઈમ મિલેગા ઘૂમતે ઘૂમતે બીચ મેં તો હમ અપના કામ નિપટા લેંગે. સ્માર્ટ. 2 બજે ઘૂમને જા રહે હૈ. કિતને બજે? પૂરા ઘર કા કામ કરને કે બાદ 2 બજે હમ ઘૂમને જા રહે હૈ. जा तो रहे ना भाई घूमने, संडे है, बनता है. बनता है बिल्कुल. आज पता है मैंने एक कॉफी ऑर्डर करी है तो वो जो यहाँ पे मतलब जो कॉफी वाली मैम है वो आके बोली कि सर मैं आपके टेबल पे कॉफ़ी बना सकती हूँ क्या? तो मैंने तो हाँ तो कर दिया, पर मुझे पता नहीं वो टेबल पे आ क्यों रही है. ये नॉर्मली तो कॉफ़ी सर्व की जाती है, तो ये राज क्या है वो हम ब्लॉक करें. हमने सोचा था खाना वाना क्या ब्लॉक करें, पर ऐसे कुछ अजीब सा हुआ. ब्लॉक करना ज़रूरी है. देखो मैडम क्यों आ रही है. ये हमारा एक्सप्रेसो शॉट है, जो कॉफ़ी बीन हम जो प्रेस हम यूज़ करते हैं ना, और ये मिल्क है जो मैंने. गाइज ये कॉफ़ी एकदम ऊपर तक भरी हुई है, तो पहला सिर्फ हमेशा ऐसे लेने का. आप पी सकते हैं. गाइज हम कहीं भी जाते हैं तो अपना ब्लॉग देखना नहीं छोड़ते हैं. अभी हमको यहाँ फ्री टाइम मिला तो हमने जो हमने पिछले ब्लॉग देखे नहीं थे वो हम यहाँ बैठ के ब्लॉग देख रहे हैं. तो गाइज अभी हम मैकडॉनल्ड्स खा के आए हैं क्रोमा पर, और यहाँ पर हम देखने आए थे मोबाइल पर, हमको कुछ पसंद नहीं आया, और जो पीस हमको पसंद आया वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है. तो आगे का क्या प्लान है? कुछ नहीं, चले घर. लौट के बुद्धू घर को आए. A few moments later. कैसा लग रहा है माइक लेके? बहुत अच्छा लग रहा है. निकले थे मोबाइल लेने पर माइक लेके घर जा रहे हैं. गाइस हम लोगों ने डिसाइड किया है कि ऑडियो क्वालिटी जो है व्लॉग में ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो पहले हमने एक माइक खरीदा है और इस माइक को टेस्ट करके बताते हैं. फिलहाल हमारे पास आईफोन का कनेक्टर नहीं है, तो आई डोंट थिंक आईफोन में टेस्ट हो पाएगा, पर मैं अपने नॉर्मल फ़ोन से ब्लॉग करके इसको टेस्ट करके बताता हूँ. तो गाइज अब हमने माइक्स लगा लिए हैं और प्रॉब्ली हमारी आवाज़ बेटर आ रही होगी, प्लस जो पहले आसपास का डिस्टर्बेंस आ रहा था वो भी कम आ रहा होगा, होप सो. ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा दूर जाके एक और टेस्ट करके बताते हैं. तो गाइज ये है मेरे फ़ोन, नॉर्मल फ़ोन से ब्लॉग. आईफोन का जैसे मैंने बोला कनेक्टर नहीं है, पर इस फ़ोन से व्लॉग करते हैं तो ऐसी क्वालिटी आती है ऑडियो की, विच इज़ नॉट बैड. बट अब मैं माइक कनेक्ट करता हूँ और फिर देखते हैं क्या फ़र्क पड़ता है. तो अब हम काफ़ी दूर हैं कैमरा से और हमारे ऊपर एक फ़ैन भी चल रहा है. होपफुली अभी भी आवाज़ में उतना ही क्वालिटी होगा. लेट्स होप फॉर द बेस्ट. फैन की आवाज़ नहीं आ रही होगी, यही हमको सबसे ज़्यादा टेस्ट करना है. हाँ. क्योंकि हमारे यहाँ पे फैन चलता रहता है, हमारी कभी आवाज़ ढंग से आती है. हाँ, exactly. क्वालिटी बिगड़ जाती है हमेशा. एग्जैक्टली exactly. यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो टेस्ट करनी है. चलो तो गाइज ये प्रॉब्लम हम लोग ट्रैफिक की लाइट के आवाज़ के साथ ब्लॉक कर रहे हैं. इसके बाद जब भी हम ब्लॉग करेंगे तो हम ये पहनेंगे. ये आइडिया भी हमको फ्लाइंग बीच से आया, मतलब झूठ नहीं बोलेंगे भाई, जो आया है वो आया है. हम फ्लाइंग बीच का ब्लॉग देख रहे थे, उसमें पंखा चालू था और वो ब्लॉग कर रहा था बिना पंखे के. हमने बोला माँ कसम ये क्या है भाई, हमें हर बार जब भी ब्लॉग करना था सबको चुप कराओ, पंखा बंद कराओ, तो ये तो ज़रूरी हो गया था, ले लिया. हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, केम छो बधा मजा माने. ब्लॉग नहीं शुरू कर रहे. तो दिस इज आवर टेस्टिंग विद द न्यू माइक्स. ऊपर पंखा चल रहा है, नॉर्मली जब हम भी व्लॉग करते हैं तो पंखा बंद करते हैं. तो लेट्स चेक के पंखा खुला रखने से ये माइक अच्छा परफॉर्म करता है या नहीं. ठीक है. हाँ. एक और फायदा है. क्या? बड़ौदा में बहुत गर्मी रहती है और हमको पंखा बंद करके व्लॉग करना पड़ता है, खासकर नीचे. ऊपर तो एसी चालू करके चेक कर सकते हैं व्लॉग.
नीचे तो आप पसीने में तर हो ही जाते हैं जब तक लॉक बनाते तब तक। हाँ, तो पहली चीज़ हमें चेक करनी है पंखे में चलता है कि नहीं, दूसरी चीज़ आईफोन के साथ चलता है कि नहीं, और तीसरी चीज़ क्या हमारे आसपास वाले लोगों की भी आवाज़ आती है। पता चला हमारी तो बहुत बढ़िया आ रही है, आसपास किसी की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, तो वो भी हमें चेक करना है। चलिए, क्योंकि ये हाँ है ना, इसलिए देखो हम नीचे आ रहे हैं और पंखा चल रहा है, एकदम धूम धड़क्के से पंखा चल रहा है। नॉर्मली ये सिचुएशन होती है तो हमको बोलना पड़ता है भैया पंखा बंद करो। आज पानी पूरी मेड बाय पूरी मैडम, तो दिस इज़ एक्सट्रीम टेस्ट। घर पे बनी है पानी पूरी और उधर चल रहा है हमारा ही व्लॉग। हालांकि ऐसी कंडीशन में तो कभी भी कोई भी व्लॉग नहीं करता है कि पंखा चल रहा है, टीवी चल रहा है, बट टेस्ट करने में क्या बुराई है, नया माइक है ना। उसने हूँ बोला, पता नहीं सुनाई दिया या नहीं दिया। सुनाया। कैसी है पानी पूरी? पानी पूरी अच्छी नहीं है। नहीं है पानी पूरी? पानी अच्छा, पानी अच्छा। पूरी बरसात के मौसम में, मतलब इसका ये हुआ कि बरसात में पूरी पानी पूरी नहीं खाने। अच्छा, बाकी सब अच्छा। सारा पैसा बर्बाद। अभी देखो दादी बहुत दूर से बोल रही है, पता नहीं आवाज़ आती है नहीं आती। तुमको कैसी लगी? तुमने खाई? हमको अच्छी लगी। बस ये पूरी है ना, वो सिलवा गई। पूर्वी ने तो बहुत मेहनत करी पर पूरी सिलवा गई है, ठीक है? वो पूर्वी है, ये पूरी फ़र्क है। और मैं बकबक कर रहा हूँ खाली ये माइक टेस्ट करने के लिए। जब से माइक आया नेहा सिर्फ मुस्कुरा रही है। मेरी आवाज़ तो आ ही जाएगी। देखो अब मैं ना ऐसे थोड़ा दूर खड़ा रहता हूँ। फोड़ो फिर से पूरी, आवाज़ आ रही है। ओके गाइज, एक प्रॉब्लम जो मुझे क्विकली नोटिस हुई कि इसके बाहर से हमारा शर्ट ऐसे पलट जाता है, जिसके कारण शायद माइक में पूरी आवाज़ नहीं आ रही हो। पर मज़े की बात यह है कि पंखा खुला है और अपन ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो कुछ तो असर होगा। और हाँ, ये ना मैं नया से सीख गया, वो बैठी बैठी हंस रही है, मैं तेरे से सीख गया। तो गाइज यहाँ हम ब्लॉग समाप्त करते हैं। ऊपर चल रहा है पंखा और एसी भी। अरे अरे, बहुत सारा हमने माइक टेस्टिंग कर ली है, अभी आपने पूरा देख ही लिया है, अब हम वापस आपको बोर नहीं करेंगे। तो यहाँ ब्लॉग को एंड करते हैं। गुड नाइट, काले मड़िए, अने जो चैनल गमे तो सब्सक्राइब जरूर करजो। बाय।